रश्मि और आप देख रहे हैं मेरा ड्राइवर व्लॉग। हेलो, मैं हूं सावी। आप देख रहे हैं मम्मा के ड्राइवर व्लॉग। मैंने एक व्लॉग बनाया था राजधानी फर्स्ट एसी जर्नी का, जिसे आपने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और मैं आज बहुत खुशी अनुभव कर रही हूँ आपको ये शेयर करने के लिए कि उसका व्यू आज 1 मिलियन हो चुका है। उसके लिए आप सबको ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। इस जर्नी में मैंने राजधानी फर्स्ट एसी ट्रेन में खूब बुक किया था, जिसमें देख सकते हैं हम लोग बहुत एंजॉय किए थे। इस वीडियो से रिलेटेड आपने ढेर सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, तो आज इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। मैम, हाउ टू बुक कुक आई एम प्लानिंग टू गो गोवा विथ माई GF। और दूसरा क्वेश्चन है, न्यू मैरिड कपल के लिए कैसे सेपरेट कुक बुक करें। और तीसरा क्वेश्चन है, इज अनमेरिड कपल अलाउड। तीनों क्वेश्चन का एक ही जवाब है, यस, हाँ। वो कोई भी कपल बुक कर सकते हैं, चाहे वो मैरिड हो अनमेरिड हो, कोई भी बुक कर सकते हैं। बस 2 पैसेंजर का होना बहुत जरूरी है। बस रेलवे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या मैरिड हो अनमेरिड हो या कपल हो, बस 2 पैसेंजर का होना जरूरी होता है कुक बुक कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कुक बुक कराने में क्या मैं और मेरी वाइफ दोनों का अलग अलग फेयर लगेगा। इसका आंसर है हाँ लगेगा, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। मैं अगला क्वेश्चन लेती हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मैम यू लुक सो गॉर्जियस, सैल्यूट फ्रॉम इंडियन आर्मी। अरे थैंक यू वेरी मच। तो मैं अगला क्वेश्चन लेती हूँ। अरे ये क्या है क्वेश्चन। अच्छा, मम्मी इज रियली क्यूट। ओ थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन है, मैम कितना फेयर है इसका। इसका फेयर बहुत ज्यादा है, फ्लाइट से भी ज्यादा है। फ्लाइट के आसपास ही है, 4.5 के आसपास मुझे लगा था, 1 पैसेंजर का। 2 पैसेंजर का 9,000 के आसपास लगा था, बट हाँ 4 साल के बच्चे का फ्री रहता है, तो आपके अगर 4 साल के नीचे बच्चे हैं तो वो फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं अगला क्वेश्चन लेती हूँ। अगला क्वेश्चन है, गुड एंड सिंपल ब्लॉग। अरे थैंक यू वेरी मच। तो मैं अगला क्वेश्चन लेती हूँ। अच्छा ये कुछ और है, मैडम आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आप आइए गोरखपुर कभी। हाँ क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। तो फिर मैं अगला क्वेश्चन लेती हूँ। अगला क्वेश्चन है, इज फूड प्रोवाइडिंग इन ट्रेन और नॉट आफ्टर कोविड। तो फ्री में नहीं मिलेगा खाना, तो सब मिलेगा आपको ट्रेन में, आप ऑर्डर करने पड़ेंगे, अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फ्री नहीं मिलेगा आपको। कोविड के बाद तो कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, आपको खाना भी अपने घर से लेके जाना पड़ेगा, ब्लैंकेट बेडशीट पिल्लो सारे आपको घर से ही लेके जाना पड़ेगा, कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अगर कूप अलॉट ना हो फाइनल चार्ट में तो क्या होगा। अगर आपको कूप अलॉट ना नहीं होगा तो फिर आपको केबिन मिल जाएगा 4 पैसेंजर वाला, जिसमें आप 2 पैसेंजर के साथ उसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्या हर ट्रेन में कूप होता है। तो हाँ, हर ट्रेन में कूप होता है, जिसमें फर्स्ट एसी है तो उसमें कूप जरूर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, राजधानी ट्रेन में कितने कूप होते हैं। तो राजधानी फर्स्ट एसी ट्रेन में 4 कूप होते हैं। किसी ने पूछा है कि 1 पैसेंजर कूप को बुक करा सकते हैं, तो नहीं 1 पैसेंजर बुक नहीं करा सकते, 2 तो जरूर चाहिए आपको, 2 पैसेंजर होना बहुत जरूरी है। कूप में खाना पीना फ्री मिलता है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्री नहीं मिलता है, घर से लेके जाना पड़ेगा, आपको घर का डब्बा लेके जाओ या तो फिर आप उससे रेलवे वाले से खरीद के खा सकते हैं, खरीद के भी खा सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि कूप कैसे बुक किया जाता है, और ये क्या सिर्फ VIP के लिए है। तो ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी बुक करा सकता है, VIP जरूरी नहीं कि वो VIP हो, कोई भी बुक करा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कूप बुक करने के लिए सिखाऊंगी।
पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो कूप बुक करने के लिए सबसे पहले IRCTC का वेबसाइट ओपन करिए। वैसे तो आपने कई बार टिकट कटाए होंगे IRCTC वेबसाइट से, स्लीपर का, सेकेंड AC, थर्ड AC का, लेकिन अभी हम फर्स्ट AC का कूप बुक करने सीखेंगे। ये बहुत सिंपल है, आप सारी डिटेल बस वैसे ही भरिए जैसे हमेशा भरते हैं। मैंने इसमें हावड़ा से नई दिल्ली सिलेक्ट किया है और मैं इसमें हावड़ा राजधानी में कूप बुक करने वाली हूँ, जिसको कोलकाता राजधानी भी बोलते हैं, और इसमें 9 सीट अवेलेबल दिखा रहा है। तो फिर करते हैं बुक, आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें पैसेंजर का डिटेल भरना। मैंने कपल का डिटेल भर दिया है, नाम, उम्र, जेंडर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें प्रिफरेंस में कूप सिलेक्ट करना पड़ता है। हम दोनों पैसेंजर और दोनों कूप कपल के लिए कूप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद पेमेंट कर देंगे, फिर हमें कंफर्म टिकट मिल जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, और ये रहा कंफर्म टिकट का व्यू। अब जब स्लीपर का या सेकेंड AC, थर्ड AC का टिकट कटाते हैं तो हमें कंफर्मेशन टिकट में सीट नंबर लिखा हुआ आता है, बट फर्स्ट AC में ये कंफर्मेशन की सीट नंबर या कुछ कूप में नहीं लिखा हुआ आता है, सिर्फ कंफर्म लिखा हुआ आता है। कूप अलॉट हुआ कि नहीं हुआ ये हमें चार्ट प्रिपरेशन के बाद ही पता चलेगा, और चार्ट प्रिपरेशन के बाद आपको ऐसा ही मैसेज आएगा कि आपको कूप अलॉट हो गया है। और अगर आपको कूप अलॉट नहीं होगा तो आपको 4 पैसेंजर वाला कैबिन जरूर अलॉट होगा, जिसमें आप 2 और पैसेंजर के साथ ट्रैवल करेंगे। और अगर आपको जानना है कि कूप और कैबिन में क्या अंतर है तो मैं ऊपर एक लिंक दे रही हूँ, आप उसमें क्लिक कर लेना और देख लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हाँ, अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चलिए आप सारे व्यूवर्स को कट करो यार। तो वीडियो देखने के लिए फिर से थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कूप बुक कराने के लिए सिखाऊंगी।